हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसके संबंध में जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल कई साल पहले इटली के पोम्पेल सिटी में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने कुछ ही पलों में यहां के 20,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। बता दें कि ये घटना 79 ईस्वी की है, जब पोम्पेल इटली और रोमन एम्पायर की फेमस व समृद्ध सिटी थी। ये सिटी पूरे रोम की सबसे अमेजिंग और फेमस पर्यटन स्थल भी थी, किंतु इस सिटी की त्रासदी दिल दहला देने वाली है। जानकारी के मुताबिक इस सिटी को चंद ही पल में वोल्केनो ने निगल लिया था। ये सिटी वोल्केनो और माउंट वेसुवियस के फटने से नष्ट हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ के पीपल 13 सेकंड 20 फीट नीचे दब गए। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस सिटी की पूरी आबादी की मौत वोल्केनो की राख और रॉक्स के नीचे दबने से हुई थी। एक रिपोर्ट ये बताती है कि वोल्केनो फटते समय सिटी का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस था, जो किसी भी शख्स को समाप्त करने के लिए बहुत है। वोल्केनो की वजह से ऐसा विनाशकारी टेम्परेचर करीबन 10 किलोमीटर तक फैल गया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।